हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। अभी हम लोग ना यहाँ पे लास्ट डे ऑफ रूल सर्वाइवल खेलने वाले हैं, जो कि यहाँ पे ब्लडी का एक न्यू सर्वर है, तो उसी को आपने ना ज्वाइन किया जो कि ओल्ड वाला मैप में। तो बहुत से लोगों को ना क्या बोलते हैं कि ओल्ड वाले मैप में ज्वाइन करने नहीं आता, ठीक। तो उनको कैसे ज्वाइन करना वो भी मैं, जब मैं इस सर्वर में आया तो मैं पास में गराज के पास में स्पॉन हुआ था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि फटाफट इधर से निकलते और वहाँ से फ्यूल लेके अपने एक 2x2 का स्टार्टर बेस बना लेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग को पिस्टल वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा इजी होगा इसमें थोड़ा सर्वाइव करना, ठीक है। तो फटाफट ना यहाँ से जितना भी यहाँ पर क्रूड ऑयल मिलता है, ऑयल वगैरह वो सब ले लेते, सप्लाई चेस्ट देख लेते, अगर गन वगैरह मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो देख लेते फटाफट चल के। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप पुराने वाले सर्वर में कैसे जाओगे, ठीक है। तो जब कोई भी अगर मांग चले आप स्टैंडर्ड कोई सर्वर आप यहाँ पे स्टार्ट करते होगे, तो वहाँ पे दो टाइप के सर्वर लिखा होता है, एक सिविलाइजेशन वाला और एक होता है लैंड ऑफ डाउन करके लिखा होता है, ठीक है। तो आपको जो लैंड ऑफ डाउन है तो वो है न्यू वाला मैप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जिस पे लिखा होता है लैंड ऑफ डाउन वो न्यू मैप है, जिस पे सिविलाइजेशन लिखा होता है वो ओल्ड मैप है, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेना, यही है। तो आप ऐसे करके ना सिविलाइजेशन में जाओगे तो आपको ओल्ड वाला मैप मिलेगा, लैंड ऑफ डाउन में जाओगे तो आपको न्यू वाला मैप मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे इसमें ओल्ड मैप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा मेरे को यहाँ पे क्रूड ऑयल भी मिल चुका है, और यहाँ से मेरे को नाइफ और मास्क दोनों चीज़ यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। और यहाँ से अपना रिसोर्सेज वगैरह यहाँ पे अपना कलेक्ट करते हैं, उसके बाद सीधा अपना बेस बनाएंगे। ये जो ब्लडी मोड में एक न्यू वाला जो आता है सर्वर सिविलाइजेशन वाला, जिसमें ना अगर आप वर्क बेंच वगैरह को अपग्रेड करोगे तो वो अपग्रेड तो होता है पर उसमें लेवल होता है, ठीक है। तो आप 9-10 ऐसे करके उसमें लेवल होता है, ठीक है। तो उसका तभी तक तो मेरे को पता नहीं चला कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि वो मेरे को इस वाले सर्वर में कुछ समझ आ जाए इस सर्वर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक बॉट महाराज है, ठीक है। तो ये तो इसको कब से इसको भाग रहे हैं इसके पीछे, और ये पे आके ये सुसाइड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद मेरे को जब मास्क मिल चुका तो मैंने सोचा ना यहाँ पे मैं रोड वगैरह फार्म करते हुए इधर आ गया था एयरपोर्ट के साइड, तो ऊपर में ग्रीन कार्ड होता है तो ग्रीन कार्ड भी ऊपर से ले लेते हैं और यहाँ से रूम वगैरह कर लेंगे। लेकिन मेरे पास वायर तो है नहीं, बेस पे है वायर, ठीक है। तो वहाँ से हम ले कर आएंगे, ठीक है। दोबारा आप लोग ये बताना कि आपको जो न्यू वाला मैप है वो आपको अच्छा लगता है या फिर ओल्ड वाला मैप, ठीक है। तो ओल्ड वाला मैप में तो क्या होता कि काफ़ी बंदे होते हैं, जो न्यू वाला मैप होता है उसमें उतने ज़्यादा बंदे नहीं होते हैं। हाँ, जो स्टैंडर्ड वगैरह हो गया तो उसमें फुल हो जाता है सर्वर, लेकिन और ब्लडी वगैरह होता है तो उसमें 30 या अराउंड या 40 के अराउंड ही रह जाते हैं स्टार्टिंग से ही बंदे लोग, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ आपको पता चल गया होगा कि इसमें कैसे आप ओल्ड मैप से न्यू मैप से ओल्ड मैप में कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन रूम है तो ऊपर में एक एमओ चेस्ट होता है फ्री वाला, वो भी चल के ले लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सप्लाई चेस्ट है, इसको भी साथ में ले लेते हैं। और इसके बाद चलते हैं सीधा ऊपर वाला एमओ चेस्ट है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा एमओ चेस्ट, यहाँ से कुछ कॉम्पोनेंट वगैरह मिल गया है, ठीक है। तो इसको लेके ना सीधा बेस पे रख कर दोबारा आएंगे इधर ना, अपना ग्रीन रूम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैं दोबारा अपने बेस पे आ चुका हूँ, जितना भी सामान था मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर चुका था, ठीक है। तो मेरे को वायर 20 मिला था, ठीक है। तो मैंने सोचा चल के सीधा रूम ही कर लेते हैं, और ये इधर ग्रीन कार्ड मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और लूट तो काफ़ी अच्छा हो चुका है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल है कुछ, तो ये भी इसमें रख देता हूँ। और इसके बाद चलते सीधा एयरपोर्ट। अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे 20 वायर डाल देता हूँ और इस यहाँ का चल के ना अपना ग्रीन रूम यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या खास कुछ मिलता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एमओ चेस्ट तो इसमें पड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कार्ड भी है अभी, ठीक है। तो चल के देख लेते क्या मिलता है। और यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे मेरे को SMG मिल जाए। हाँ, जो ये वाला सर्वर है तो इसमें जो वर्क बेंच का जो मसला है वो मेरे को कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपको पता चलता है तो आई थिंक आप कमेंट कर देना कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे SMG मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो टूल बॉक्स ये बाद में स्पॉन होता है, ठीक है। तो सभी एक ही जगह पर होता है तो ये बाद में स्पॉन होता है तो इसको भी ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे तो पर्पल रूम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर चुका हूँ।
मेरे को यहाँ पे काफ़ी दूर से एक बंदा ही दिख जाता है जो कि एक और ये आगे जा रहा है, ठीक। तो उसको देख के ये यहाँ पे छिप रहा था, ठीक है। तो मेरे पास SMG थी तो मैंने इसको यहाँ पे इसीलिए इसको किल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको रिपोर्ट में भी इसको चेक किया था तो इसी का नेम शो कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक आई थिंक एक और बंदा था, वो आई थिंक कहीं और चला गया है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे दो और मास्क मिल गया और आयरन एक्स मिल चुका है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से उठा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा बेस पे। जितना भी सारा लूट वगैरह, तो इसका मैं इस SMG का रेसिपी और एल्बम का यहाँ पे रेसिपी अभी निकाल लेता हूँ, उसके बाद सीधा चलेंगे रेड पे, ठीक है। उसको देखते हैं कौन सा बेस हमको छोटा बहुत एक मिल जाता है या नहीं, ठीक है। तो इसमें ना अभी ढूंढना तो काफ़ी मुश्किल होगा, रैंडम जाके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ना मैं यहाँ पे आया था हार्बर के पास, क्योंकि मेरे को ना ब्लू रूम ओपन करना था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पर्पल कार्ड भी मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको चेक कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसको मैं चेक कर लिया तो यहाँ पे लूट वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखना मेरे साथ क्या हुआ, मैं उस बंदे को यहाँ पे कुछ ध्यान वगैरह नहीं देता हूँ, ठीक है। और मेरे साथ वो क्या करता है, ठीक है, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपना रूम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Y25 पैकिंग डाल देता हूँ, 25 में यहाँ पे टाइप करके ना इसको कंफर्म करता हूँ, ठीक है। उसके बाद चलता हूँ सीधा रूम ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे को यहाँ पे पर्पल कार्ड मिलता है कि नहीं, वो तो आई थिंक नहीं मिलता मेरे को यहाँ पे पर्पल कार्ड, ठीक है। तो मैं इसको सेकेंड टाइम इसको लूट रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक कोई इसको पहले भी इसको कोई लूट चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे पर्पल कार्ड तो आगे पड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केवल कंपोनेंट ही मिलता है, SMG यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। तो केवल कंपोनेंट होता है और मेरे पास पिस्टल होता है, ठीक है। तो देखना मेरे साथ क्या होगा भाई, यहाँ पे देख के बहुत ही बुरा लगता है यार। ऐसे जब कोई मारता है, अगर कोई कैंप वगैरह करता है तो उस पर बहुत ही गुस्सा आता है यार। मारना ही हो तो सामने आके मार लो ना। ये देखना जैसे इधर आता हूँ और यहाँ पे देखना अचानक मेरे को फुटप्रिंट आता है। ये कब से मेरे को यहाँ पे इंतजार कर रहा था, कब आऊँगा पड़े होते हैं साथ में, और उसका भी लगता है साथ में यहाँ पे किल हो जाता, जितना भी लूट होता है वो भी साथ में चला ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेयर भी काफ़ी अच्छा हो चुका है 2000 के आसपास, ठीक है। और यहाँ से SMG हो गया और ऑयल बम का यहाँ से रेसिपी हम निकाल लेते हैं फाइनली। और इसको कहाँ पे प्लेस करूँगा, अंदर इसको प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। भाई साहब हार्बर में तो सीधा नौकर सीधा फिनिश ही हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे फाइनली अपने SMG का यहाँ पे रेसिपी अपना निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑयल बम की रेसिपी भी निकालना है। और मैं ये बोल जाता हूँ कि SMG का रेसिपी तो ले लिया पर बनाऊँगा इसको वाले सर्वर में ना स्टील आपको मिलना काफ़ी मुश्किल। अगर आयरन वगैरह अगर आप फार्म करते हो तो आपको इसमें ना स्टील मिलता है लिटरली। अगर किसी चीज़ कंपोनेंट वगैरह डिसमेल्ट करते हो तो तब पर भी आपको स्टील नहीं मिलता है, ठीक है। ये मैं भूल ही जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक बेस को यहाँ पे फाइंड कर चुका हूँ, उसके बाद चलता हूँ सीधा रेड करता हूँ उस बंदे को, ठीक है। क्योंकि वहाँ से मेरे को काफ़ी अच्छा लूट मिल सकता है, क्योंकि वो बेस ना काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो उसमें 2-3 लेयर लगा हुआ है जो कि स्टोन का फूली, अभी आपको पता होगा इस वाले सर्वर में तो स्टार्टिंग में इसको अपग्रेड वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब तक सिविलाइजेशन लेवल 2 नहीं हो जाता तब तक आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एल्बम में यहाँ पे क्राफ्ट पे लगा चुका हूँ, जो कि 6 लाया हूँ, ठीक है। देख लेता हूँ इसे रेड कर पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 चाइनीज बंदे, ठीक है, जिनका बेस है वही आई थिंक इधर कहीं फिर रहे होंगे, ठीक है। चले देखते हैं इधर से क्या मेरे को लूट मिलता है, ठीक है। आई थिंक इस वाले सर्वर में आई थिंक मैं बस यहीं तक खेलूँगा, क्योंकि इस वाले सर्वर में मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें जो वर्क बेंच हो गया और ये सब का कुछ मेरे को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं सोचा ना कि ऐसे खेल ले तो देख लेते हैं। मैंने सोचा ना वो जो नॉर्मल वाला सर्वर होता ब्लडी मेरे को लगा कि वो वाला मेरे को सिलेक्ट किया हूँ, लेकिन ये वाला सर्वर सिलेक्ट हो जाता तो इसीलिए मैं सोचता हूँ इसी को ही खेल लेता हूँ। और यहाँ पे मैं 3 ऑयल बम लगाता हूँ। यहाँ पे ना इन्होंने शॉटगन ट्रैप इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। ये इन्होंने सही किया, लेकिन इसमें ना बुलेट वगैरह बहुत ही कम डाल रखा है, तो आई थिंक 10 या 12 होगा, ठीक है। और इसका जंप करके तो मैं इसका ख़त्म कर देता हूँ बुलेट, क्योंकि अगर एक भी बुलेट मेरे को लगा तो मैं यहाँ पे सीधा फिनिश होने वाला, क्योंकि मेरे पास कोई भी आर्मर वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैंप फायर भी मेरा ऑलरेडी पूरा क्राफ्ट हो चुका है और इसका बुलेट भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो फाइनली इसके ऊपर लगा देते 3 ऑयल बम और देखते अंदर क्या लूट मिलता है, ठीक है। तो
अभी आप जैसे इसको तोड़ता हूँ भाई, यहाँ पे देखना कितने सारे बॉक्स लगे हैं। एक बॉक्स लगो इतना सारा यहाँ पे फर्नेस लगा हुआ है। देखो भाई सब ये क्या है। और मेरे पास यहाँ पे एल्बम तो है नहीं, ठीक है, तो एल्बम तो ख़त्म हो चुका है फाइनली। जितना भी फर्नेस था तो मैंने सोचा ना जो जितना भी फर्नेस का लूट है वो मैं इधर से लेके निकल जाता हूँ, ठीक है। इसका जो ये चेस्ट है तो इसमें भी काफ़ी अच्छा लूट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी जो भी मेरे को काम का लगा और जो इसमें प्लेट वगैरह तो वो भी बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहले जितना फर्नेस का ना वो सभी निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं तो बंदा अगर आ जाएगा तो बाहर में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ना मेरे पास स्किल पिस्टल ही पड़ा हुआ है। नहीं तो अगर कहीं ऑनलाइन हुआ तो वो सेल्फिश भी करके आ सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो आई थिंक उनका 2-3 टीममेट थे, तो वो लोग बाद में जब मैं इनका कैबिनेट वगैरह जब डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो यहाँ पे इनका लूट देख सकते हैं। इनसे काफ़ी अच्छा लूट मिल गया अभी तक। यहाँ से मैं एल्बम क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 15 कुछ यहाँ पे वो मिल गया, चारकोल और सल्फर भी मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो सल्फर कुछ स्मेल्ट हुआ पड़ा है, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इधर देख, इसमें तो कुछ खाने पीने का सामान है और 2 सिरिंज पड़ी हुई है। इसमें आर्मर तो काफ़ी है, ठीक है। तो आर्मर भी मेरे को यहाँ से काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और मेरे पास चारकोल तो और पड़ा हुआ, लेकिन हाँ, और मैं यहाँ पे एल्बम बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 3-5 एल्बम और लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इधर ना 300 और चारकोल पड़े हुए मेरे पास, ठीक है। तो फटाफट ना मैं उसका भी यहाँ पे जीपी क्राफ्ट पे लगाता हूँ। और यहाँ पे एल्बम मेरे को चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने सोचा ना कि इसका डोर है, इसको मैं हथौड़े से इसको तोड़ दूँगा, लेकिन इससे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें 5 का डैमेज जा रहा है यार। वो इन्होंने काफ़ी गलत किया, इसका जो डैमेज वो घटा दिया इन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपना हेल्थ वगैरह फुल कर लेता हूँ, उसके बाद ना सीधा इसको रेडी कर देता हूँ पूरा। फाइनली यहाँ पे मेरे को 4 एल्बम यहाँ पे बना चुका हूँ, जो कि इन्हीं लोग के बेस से मैंने बना दिए है, ठीक है। फाइनली इस पर मैंने लगा चुका हूँ एल्बम 3। तो एक तो स्लीपिंग बैग डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसके अंदर एक और बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है। आई थिंक एक और बॉम्ब मिल जाना चाहिए, ठीक है। मिल जाए तो फिर एक लगाता हूँ, पहले देखता हूँ क्या होता है। अभी तो ये तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, ठीक है। जब मैं इसको चेक करता हूँ तो इसमें मेरे को 3 एल्बम और एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैबिनेट भी अपना क्राफ्ट करने के लिए लगा चुका हूँ। उसके बाद इसको सीधा पैक करते हैं और अपना कैबिनेट लगा के ना यहाँ पे अपना जितना भी लूट है वो अच्छे से देखते हैं मेरे को यहाँ से क्या क्या लूट मिलता है, ठीक है। इसको भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और यहाँ पर अपना एक वॉल प्लेस कर लेते हैं, इसको स्टोन से भी अपग्रेड कर देंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या लूट मिलता है। अभी यहाँ पे आप स्पेयर देखना मेरे को कितना मिलता है, 2000 स्पेयर मिलता है, ठीक है। 1935 कल 2000 में 75 केवल काम है भाई साहब, इतना कम इतना ज़्यादा मेरे को स्पेयर यहाँ से मिल जाता है, जो कि यहाँ काफ़ी अच्छा लूट हो गया, ठीक है। मेरे पास देख रहे हो मेरा तो पूरा बैग फुल है और यहाँ पे एक लार्ज बॉक्स है वो भी पूरा फुल है, ठीक। काम कर जितना भी वुड है तो उसका काम कर लेते हैं। वुड का ना मैं बॉक्स वगैरह और स्टोन एक्स वगैरह लगा के ना उसको सीधा अपने बेस पे यहीं से ट्रांसफ़र कर लूँगा, ठीक है।
जब मैं यहाँ पे सिविलाइजेशन इन्फो पे जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो फार्मर्स भी इसमें आपको फ्री में ही आपको मिल जाने वाला, आपको ड्रॉप वगैरह से तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ड्रॉप वगैरह नहीं लूट सकते ना तो आपको यहाँ पे फ्री में आपको फार्मर्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली जब मैं अपना पूरा लूट यहाँ पर शिफ्ट कर रहा था तो यहाँ पर भी ना मेरे साथ यहाँ पे ये हो जाता है, आपको पता चल जाएगा आगे क्या हुआ मेरे साथ। जो कि मैंने एक यहाँ पे एक 2x2 का एक सॉरी 1x1 का एक और बेस है जो कि न्यूक्लियर के पास है, जिसमें ना एक मेरा SMG रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने सोचा ना SMG ले लेते हैं और साथ में चल लेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ बुलेट वगैरह पड़ी हैं, तो इधर से निकलते हैं सीधा अपना जो लूट है तो वो भी करते हुए। और ये रहा जो यहाँ पे मार्क मैंने लगा दिया, वहाँ पे सीधा चलते। जब मैं रिपोर्ट में चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक बंदे का नेम यहाँ पे शो करता है, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वो इधर ही कहीं घूम रहा है, ठीक है। तो जब मैं वो जब वो मेरे को देखता है तो वो आई थिंक कहीं छिप जाता है, फिर वो मेरे को बाद में वो मार देता है। SMG जितना भी लूट था मेरा वो सब इसके पास चला जाता है। हाँ, जो स्पेयर वगैरह था तो उसको तो मैं ऑलरेडी अपने बेस पर उसको ले जा चुका था। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो आपको ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल वाला बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।